गुलाब जितना खूबसूरत होता है उतनी ही खूबसूरती वो हमारे चेहरे को देता है, इतना ही वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सुंदरता तो उसकी सभी ने देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि गुलाब की क्या क्या खूबियां है जो आपके चेहरे पे, आपकी स्किन पे रंगत निखार सकती है, आपकी स्किन को गोरा बना सकते हैं, और भी बहुत सारे काम इसके हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि गुलाब की पंखुड़ियों का आप फेस पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके चेहरे पे रंगत पे चार चांद लगा दे। गुलाब की पंखुड़ियों में विटामिन बी सी और के होता है जो कि हमारी डेड स्किन जो होती है उसको हटाता है और चेहरे को रंगत को निखारता है। किस तरीके से, जो हमारे चेहरे पर जो परत होती है ऊपर, उस पे जो स्किन है वो डेड हो जाती है, टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाती है। तो ये क्या काम करता है गुलाब की पंखुड़ियाँ, आपके उस स्किन को हटाती है और जो आपकी उसके नीचे की परत होती है, यानी कि जो आपकी सॉफ्ट सुंदर परत होती है, उसको आपको हील करने का यानी रिपेयर करने का काम करते हैं, जिससे कि वो पॉल्यूशन को और सन टैन वगैरह से आपको मुक्ति दिला सके, आपको उस चीज़ से बचा सके। तो जो रोज़ है वो आपके फेस पे इसलिए बहुत अच्छा काम करता है। गुलाब जल का काम तो सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन जब गुलाब की पंखुड़ियों से ही निकला हुआ रोज़ इतना, मतलब गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ गुलाब जल इतना काम आता है, तो आप सोच सकते हैं कि गुलाब की पंखुड़ियाँ कितनी काम आएगी आपकी फेस के लिए। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गुलाब की पंखुड़ियों के यूज़ के बारे में। आप जो आपकी ड्राई स्किन है उस पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ऑयली स्किन पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे, मैं इंट्रो कराना चाहूँगी आपका इस प्रोडक्ट से जो कि है ओरिगन्स का रोज़ पेटल पाउडर। ये ना आप घर में भी बना सकते हो रोज़ पाउडर, पेटल पाउडर, बट इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, हार्श केमिकल उसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल होता है। तो इतनी झंझट और इतनी टेंशन क्यों लेना, और कई बार क्या है आप कोशिश करते हो बट वो अच्छा नहीं बनता, तो इतना ज़्यादा इसमें सोचने वाली ज़रूरत नहीं है। आप इसको ट्राई कीजिएगा एक बार, अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर तो आप जो भी सवाल है आपके आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। इस पे साफ लिखा हुआ है कि ये खाने के लिए नहीं होते, ओरिगन्स के जो प्रोडक्ट होते हैं बिल्कुल नेचुरल होते हैं। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं आपके फेस के लिए, आपके बालों के लिए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इसके हैं। मैंने पहले भी इसके प्रोडक्ट्स का रिव्यू दिया है, मैं काफ़ी टाइम तक इसका यूज़ करती हूँ तभी मैं इसका रिव्यू देती हूँ, तो इसलिए मैंने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में आज मैं इसको लेके आई हूँ कि चलो मैं आज इसको आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं और मुझे क्यों अच्छा लगा है ये। या मेड इन इंडिया, इसके प्रोडक्ट सभी मेड इन इंडिया होते हैं, तो मेड इन इंडिया पर बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए आपको ऐसे प्रोडक्ट हमेशा खरीदने चाहिए जो मेड इन इंडिया बने हुए हों, यानी कि इंडिया के अंदर बने हुए हों। दूसरी चीज़ ये आती है कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए, स्पेशल अपनी स्किन और अपने बालों के लिए। इसको जो है आप 18 प्लस है तब भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर टीनेजर है तब भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है। इसको ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने का अलग अलग तरीका है, वो भी मैं बताऊंगी। इस पर जो तरीका दिया गया है बिल्कुल सिंपल तरीका दिया है कि आप इसको पाउडर को लीजिएगा और उसका एक पेस्ट बनाइएगा पानी में के अंदर, आपको अपने फेस पे 15 मिनट के लिए छोड़ना है और अपने नॉर्मल पानी से धो लेना है। तो ये एक नॉर्मल तरीका है जो कि आप हर फेस वॉश के साथ में, यानी कि हर एक फेस पैक के साथ में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको ऑयली स्किन के लिए लगाना है तो आपको लेना है थोड़ी सी दही और दही में इसको मिलाना है और फिर अपने फेस पर लगाना है, तो आपके फेस पर चमक भी लाएगा, साथ साथ आपकी जो स्किन है डेड स्किन को हटा के स्किन को रिपेयर करेगा। अगर आपको उसके बाद में स्किन अपनी बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है तो आप मॉइस्चराइजर इसके बाद में यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करूँ मैं ड्राई स्किन की, तो ड्राई स्किन के लिए आपको यूज़ करना है, इसके साथ में थोड़ा सा आप गुलाब जल मिला सकते हैं और उसके साथ में आपको थोड़ा सा हनी मिलाना है, तो ये तो दोनों चीज़ें मिला के आपको अपने फेस पे लगाना है। अगर आपको और भी कोई तरीका यूज़ करना है तो आप एलोवेरा जेल के साथ भी इसको मिला के लगा सकते हैं, तब भी आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ये वर्क करेगा। इसमें सब कुछ वैसे लिखा होता है कि क्या क्या काम करना होता है, इसका एक बहुत अच्छा काम मैं आपको बताती हूँ जो शायद आपको नहीं यकीन आएगा, बट ये झाइयों को बहुत अच्छी तरह से
गायब करता है। मेरे फेस पे झाइयाँ नहीं है तो मैं इसको अपने फेस पे नहीं बता रही हूँ, लेकिन मेरे कोई रिलेटिव है जिन्होंने इसको ट्राई किया है, उनके फेस पे काफ़ी झाई रहती है तो उसको बहुत अच्छा वर्क करता है। क्योंकि झाइयाँ भी जो होती है, जो हमारी अपर लेयर होती है उसको डैमेज करता है, उसके बाद अंदर जानी शुरू होते हैं। जब अपर लेयर को ये हटा देगा तो अच्छा वर्क तो ये नेचुरली उसमें करेगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस जो है वो 297 रखा गया है, बट आपको ये ऑफ़र में मिल जाएगा, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें ऑफ़र चलते रहते हैं, उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा, आप इसको ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिएगा। तो ये था इस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि मैंने पूरा बता दिया है। 100 ml का ये प्रोडक्ट है, 100 g का ये प्रोडक्ट है, काफ़ी आपका चल जाता है। 24 जो मंथ है इसकी वैलिडिटी रहती है, तो इस आप इसको कोई भी ऐसा मत मानिए कि बहुत जल्दी आपका ये ख़त्म होने वाला है। अदर जो फेस पैक आते हैं उनके साथ में भी आप इसको मिला के लगा सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी इस प्रोडक्ट के बारे में कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तभी आप इसकी कीमत को समझेंगे कि मैं इसके लिए आपको क्यों प्रीफर कर रही हूँ, इस प्रोडक्ट को क्यों आपको बोल रही हूँ। अगर आप इस प्रोडक्ट को छोड़ दें और बात आते हैं रोज़ पेटल के ऊपर, पाउडर के ऊपर, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए आपको जो भी फेस पैक आते हैं वो अलग अलग तरीके से यूज़ करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपका ड्राई स्किन है तो आप उसको ऑयली वाला लगा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देगा। तो मैंने इसलिए हमें ड्राई स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए बता दिया। नॉर्मल स्किन के लिए भी मैं उन्हें बता दिया कि आप नॉर्मल स्किन के लिए आप इसको एलोवेरा जेल में मिला के लगा सकते हैं, आप चाहें इसको नॉर्मल पानी में भी मिला के लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस, आप इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। यही था आज की वीडियो में। आपकी जो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है या कोई प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल पर आपको सच्चा रिव्यू उस प्रोडक्ट का ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।